वो सबका इलाज कर रहा, अपनी आंख का इलाज करा उसने। उनका आंख तो ठीक है। अरे नू 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 आंख से क्यों मारे वो? अरे तम जैसों ने नाश करा, तम जैसे पत्रकारों ने पूरे दिन चलाया टीवी पे, और कोरोना की दवाई कोरोना की दवाई, और सांझ को भाई नौकर करके आंख मार के और बोला कोरोना की नाती भैया। किसी भी पार्टी का जो पट्टा हो ना, जिसके गले में बन जा कुत्ता ही बन जाओ। कातिया, ये पट्टा इंसान को कुत्ता बना देता है। बताओ इस देश का दुर्भाग्य क्या, जिसका सारा खानदान कोरोना से पीड़ित रहा हो, वो हमें कोरोना से बचने के उपाय बता रहा हो। अमिताभ, तो अगर किसान खेत में अच्छे लगते हैं तो दलाल दलाली करते अच्छे लगते हैं, उस कुर्सी पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे यार वो तो लूबी कही थी विकास होगा, 7 साल हो गए, कितना बड़ा हो गया? अरे जरा से पीछे गोइयो, विकास तो इतना बड़ा हो गया होगा, 7 साल का कौन से स्कूल में पढ़ा तू बता भाई? किसी की माँ ने दूध पिया जो हमें बका ले, तो फिर यो क्यों नहीं बका लेता हमें, यो डैडी वाला क्यों नहीं बका लेता? नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं PRB। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और हमारे साथ तमाम किसान भाई मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। 34वां दिन हो गया है, कोई जो मामला हल्का होता है वो नहीं निकला, कहीं थक तो नहीं गए आप? थकना हमारी किस्मत में ही नहीं है, हमारा शरीर थकता नहीं, हम तो किसान के बेटे। जहाँ एक बार देखे, आपने वो देखा होगा ना, घोड़ा जब दौड़ता है और वो थक जा और उसे एक बार रेत सी में को लुटा दो, लुटी लुटी मारे और फिर चल दे, तो हम तो ऐसे किसान हैं, कैसे हमें थका देंगे? ये थका देंगे यार, जो AC में रहने वाला हो और वो खेत में लौटने वाले को थका देगा, समझ ले, देख ले कोरोना आया तो ना, कहाँ गया कोरोना, कहाँ गया? देख MPO को लगा, मंत्रियों को लगा, एक आधा और पड़ा दिखा उसकी अर्थी आने वाली। तो इस बात की चिंता मत करे, हम ना थके, हमें 9 महीने तक का तो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम जिसके वंशज हैं वो 9 महीने तक का उन्होंने अंग्रेजों से लड़के जीता था। ये तो काले अंग्रेज हैं ना, तो जब चाहेंगे जब मार लेंगे, अभी तो बड़ों ने आदेश ना दिया। वो तो कह रहे हैं आपकी भलाई के लिए कानून आया है, आई दुगनी होगी आपकी। अरे मेरे यार, काय का भलाई है, जब मैं कह रहा हूँ रहन दे, हमें भलाई नहीं चाहिए, बुराई में रह लेन दे, क्यों भलाई कर रहा है भाई हमारा? है अरे दाढ़ी, आपके अच्छे दिन लाने चाहते हैं तो है? अच्छे दिन आ तो गए, देख ले खाट छोड़ के सड़क पे आके लौट गए, इससे बढ़िया अच्छे दिन आओगे भाई? अच्छे दिन किसके अच्छे दिन आ गए फिर? अच्छे दिन आए अडानी अम्बानी के। अरे जिनकी इस कोरोना काल में भी आए 4 गुनी 6 गुनी 10 गुनी बढ़ गई, अच्छे दिन उनके आए। अरे जिसका पोता हुआ चौकीदार देखने गया, उनके अच्छे दिन आए, मारे तो ना हुआ कोई पोता। देश के चौकीदार है, चिंता करते हैं आप? कौन है देश का? देश का चौकीदार नहीं है वो, अडानी अम्बानी के चौकीदार है। अगर देश के चौकीदार होते तो अंधाता सड़क पे पड़ा इनके बीच में आता। ये बताइए, अडानी हो या अंबानी, व्यापारी है, देश में व्यापार कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है उनको फिर? आपको दिक्कत क्या हो रहा है? अरे हमारा घर लूट के व्यापार करेगा के? है? बता, हमारा घर लूट के व्यापार करे? लूटने को ना और चीज दे रखी थी, अरे वो इंडस्ट्री लगा ले, कुछ और कर ले, चमड़े के जूते बना ले, हम भी पहन लेंगे। है क्या हमारी खाल के जूते बनाने है उसे? बता, पंजाब में 1500 टावर को ठप कर दिया गया, ये तरीका तो ठीक नहीं है, बहुत जल्दी का नुकसान है किसका? बहुत जल्दी 1500 टावर का तो तुम्हें दिखाई दे गया पत्रकार महोदय, और मेरे से सवाल पूछ रहे 1500 टावर, और ये 30 लाख किसान दिख रहे, ये ना दिख रहे हमारे बुड्ढे यहाँ से पड़े जाड्डे में, जो हमने खाट से नीचे नहीं उतरन देते और वे आके यहाँ सड़क पर सो रहे, वो नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें? वो नहीं दिखाई दे रहे हमारे 35 जवान शहीद हो गए, वो दिखाई नहीं दे रहे? बस उसके 1500 टावर दिखाई दे रहे, नहीं तो आप ही का नुकसान है ना, नेट नहीं चलेगा आपका। अरे मत चलो सुधरे नेट, पहले ना थे हम। अरे 1988 में 1987 में हमने आंदोलन करे, जब था ये नुकसान, जब था क्या कोई मोबाइल? प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया जो है वो तो फ्लॉप हो जाएगा फिर ऐसे। डिजिटल इंडिया, और उसे डिजिटल इंडिया से ही होना दिखाई दे रहा हो, ये कोरोना पड़ा यहाँ से कितना सारा, ये लगेगा सारा जाके उनके। और अब के देख लिए, जिस दिन इन्होंने बाबा उन्हें आदेश कर दिया, तो ये कोरोना संसद में घुसेगा, रुके ना। हाँ बता दिया ना, बता दिया। बाबा रामदेव की कंपनी स्वदेशी है, उनसे भी आपको दिक्कत है? है? बाबा रामदेव की कंपनी तो स्वदेशी है। अरे स्वदेशी से क्या लेना, भी जाएंगे साथ साथ। हाँ एक बात बता भाई, वो सबका इलाज कर रहा,
अपनी आँख का इलाज करा उसने। उनका आँख तो ठीक है, पूरी तरह दिखता है उनको, है? और नून नून नू आँख से क्यों मारे है वो? क्यों मारे भाई? अरे अरे तुझे बताऊं, हमारे गांव में एक दवाई बेचने वाला आ गया, बोला आँख के फोल्ले की दवाई ले लो, आँख के फोल्ले की दवाई ले लो। जाने आँख का फोल्ला? आँख में इतना मोटा टुल्लू सा हो, यहाँ एक आँख बंद हो जाओ उसमें। बोला इसकी दवाई ले लो। मैं बोला रे यहाँ सबकी दवाई बेच रहा, सबकी आँख के ठीक करेगा, पहले अपना कर। बोला जी वो सैंपल में रोक रखा। तो ऐसे ही रामदेव ने सैंपल में रोक रखा आगे। कौन सा फार्म है उसके जो स्वदेशी बेच रहा है उसके? कोरोना की तो दवाई बनाए ना, कोरोना की दवाई बना दी। अरे तम जैसो ने नाश करा, तम जैसे पत्रकारों ने पूरे दिन चलाया टीवी पे, और कोरोना की दवाई, कोरोना की दवाई, और सांझ को वही नौकर करके आंख मार के बोला कोरोना की नाती भैया। है अपने आप बीमार हो तो एम्स में जावे। कौन जो इसका वैद्य है बाल किशन, अपने आप बीमार हुआ तो श्री ऋषिकेश के एम्स में पहुंच गया, अपने हॉस्पिटल में क्यों ना गया? सबसे बड़े लुटेरा, सबसे बड़ा देश का टैक्स ना देता, और वो भी कहता अच्छे दिन आवेंगे, 15 लाख आवेंगे, काम बढ़ गया। मोदी जी जब से आए हैं देश मजबूत हो गया है, फाइटर जेट आ गया है राफेल, तो क्या क्या दिक्कत है आपको? भाई तू बैठेगा उसमें या मैं बैठूंगा? अकेले की नहीं, एक इंसान की ने 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। क्यों क्यों पहले हमारे देश में कोई हवाई जहाज ना था, हमारी सेना बिना हवाई जहाज के थी। अरे पाकिस्तान में घुस के हमारा वो राफेल था क्या? है बताओ कौन सा जहाज था? देखिए आपको दिक्कत प्रधानमंत्री से भी, आपको दिक्कत व्यापारी से भी है, और अभिनेता सन्नी देओल उसको भी आपने छोड़ते। देख भाई अभिनेता सन्नी देओल की बात कर या किसी की बात कर, भाई कोई उसका समर्थक हो तो बुरा मत मान जियो। देखे किसी भी पार्टी का जो पट्टा हो ना, जिसके गले में बन जा कुत्ता ही बन जाओ। सन्नी देओल तो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ भी है, भाजपा के साथ भी है, वो तो कह रहे हैं ना। ओए दो नाव पे सवार करने वाला डूब जा, बता दियो सभी कि दो नाव पे सवार करने वाला डूब जा, एक पे आ जा, भाजपा में जाना चला जा, हम क्या रोक रहे? अरे हमारी माया तो हमारी माया, आ जा, हम ना तो किसी को बुलाने जा रहे। देख इतने सारे हैं, एक बात तक किसी को बुलाया ना, सब अपने आप आए। क्यों? कि सब पढ़े लिखे, सबको पता कि हमारी तो गई खेती गई, और खेती गई तो अडानी अंबानी का 500 का मजदूर बनना पड़ेगा, भाई बचा लो, तो वह बचाने के लिए पड़े अपनी खेती। तो हम कुत्ते ना किसी के कुत्ते होंगे, वे जो संसद में बैठते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, हम तो इसके शेर हैं। हम तो वो चीज है के खेत में भी हम लाठी लेकर शेर को भी कुत्ता समझ के दंगा लें। आपको नहीं लगता है कि जो अभिनेता है अभिनेत्री है कंगना रनौत, इनको समर्थन देना चाहिए जब हर मुद्दे पे ये लोग बोलते हैं? तो बताओ इस देश का दुर्भाग्य क्या, जिसका सारा खानदान कोरोना से पीड़ित रहा हो वो हमें कोरोना से बचने के उपाय बता रहा इस, है अमिताभ, इस देश का दुर्भाग्य तो यही है। अरे काना बता रहा कि तेरी आंख फूटेगी, अरे ते अपनी बचाता, मेरी तो देखी जाएगी। वो तो भविष्यवाणी भी करते ना, वो तो कहते थे कि तेल का दाम 35 रुपए हो जाएगा पेट्रोल का, भविष्यवाणी भी करते। कौन? बाबा रामदेव। भविष्यवाणी अब कहां बिल में घुस गया? है अरे जोन सी कर तू नाम ले रहा, उसके बंगले में घुस गया, कहाँ चला गया? है अरे अडानी अंबानी के पोते को देखने गया, कहाँ गया? अब देखिए प्रधानमंत्री के साथ मुश्किल ये है कि उनका कहना है कि आधे से ज्यादा किसान समर्थन में है कानून के, तो वो भी प्रोटेस्ट में उतरे हुए, समर्थन में जो आए हैं वो कौन लोग हैं? फिर समर्थन में जो आए हैं वो कौन लोग? सुनो भाई, सुनो 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 भाई सुनो, मुझे ये बता दे चीन के बॉर्डर पे बैठे का पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हुए लोग जो समर्थन में है बिल के, वो कहाँ बैठे? या जापान पहुंच गए? बता दे। या रामदेव के फार्म में बैठे? प्रधानमंत्री को नहीं मालूम, लेकिन अमित शाह तो किसान है, उनका बैकग्राउंड किसान वाला है, उनकी बात भी आप नहीं समझे? अरे बताऊं कैसा किसान है, उसका लड़का एक साल में 50,000 से 80 करोड़ कमा ले, और हम वही तो गणित पूछने की नहीं पड़े, और क्यों पड़े हम? 5,000 करोड़ दिए ना, धीरे धीरे कर रहे हैं, 2,000 दिए ना, 2,000 रुपया तो है, 2,000 दिए ना, तो फिर ये संसद में बैठ के इतने फालतू क्यों ले रहे? क्यों ये इतनी तनख्वाह ले रहे हैं?
अगर मुझे जब मैं 2000 में अमीर हो गया तो ये भी 2000 में अमीर हो जाने चाहिए। इनके कौन सा चार चार मुंह है या आगे से भी पीछे से भी सब जगह से ही खामे है ये बता दे। वो कह रहे हैं कि किसान खेत में अच्छे लगते हैं, सड़क पे नहीं है, खेत में अच्छे लगते हैं काम करते हुए। तो अगर किसान खेत में अच्छे लगते हैं तो दलाल दलाली करते अच्छे लगते हैं, उस कुर्सी पे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। किसकी दलाली कर रहे हैं? अडानी अंबानी की। ये कह दलाल खत्म, और इससे बड़ा दलाली का है कुछ है? एक देश का प्रधानमंत्री इतने किसानों की बात ना मान के दो आदमियों की बात मानता हो तो वो प्रधानमंत्री कहना लायक नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए और जमुना में डूब के मर जाइए, गंगा जी जगह नहीं है। मान लिया, थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं कानून को, और भी काम किए, 370 राम मंदिर ये सब, एक बात तो बनाया। अरे यार वो तो लूबी कही थी विकास होगा, 7 साल हो गए, कितना बड़ा हो गया, जरा से पीछे कोई हो विकास तो इतना बड़ा हो गया होगा, 7 साल का कौन से स्कूल में पढ़ा तू बता भाई। सरदार जी आपने देखा के? अरे भाई किसी ने विकास देखा के? नहीं देखा भाई। हो सके थारे बालकों के साथ पढ़ता हूँ, मेरा तो ब्याह नहीं हुआ। कश्मीर में आप जमीन ले सकते हैं, कश्मीर में आप जमीन खरीद सकते हैं। अरे अरे यो तो बच नहीं रही, यो तो बच नहीं रही, चांद पे जमीन दिवा दे, यो तो छीन रही है, कश्मीर में छोड़ देगा, और कश्मीर में कौन खरीद देगा? अरे यार चार चार आदमी यही रहेंगे, हमने कश्मीर, हमें पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में रहने, कश्मीर में यो मोदी जो चला जाके खरीद ले, अमित शाह खरीद ले, अडानी अंबानी खरीद ले, हमें ना खरीदनी, हमारी छोड़, हमारी जान छोड़, अब ना टेंटवा दबा देंगे अब कहें। क्या तारीख पे तारीख मिल रहा, सन्नी देओल भी यही कहते हैं, क्यों मानेगा? अरे ये तारीख जो मिल रही है, और नहीं तो हम कह रहे कि सारी संवैधानिक व्यवस्था बिक गई, कोई नहीं छोड़ी, इन्हें सारी संवैधानिक व्यवस्था बेच खरीद चुका, सबको अपना गुलाम बना चुका, और ये किसान को गुलाम बनाना चाह रहा है, हम नहीं बनेंगे। सवाल कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के 70-65 साल का हिसाब मांगिए। अरे कांग्रेस हमने भगा दी ना, हाँ। हम राजा से देखिए, बार बार ये राजनीतिक बात मत लाइए हमारे बीच में, आरोप लगता है आप पे, आप विपक्ष लड़ाई हो जाएगी मेरी। अरे हमसे लड़ाई करके क्या होगा? अरे इसलिए लड़ाई होगी, हम किसान है, कांग्रेस से किसी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें किसी की माँ ने दूध पिया जो हमें बका ले तो फिर यो क्यों नहीं बका लेता हमें, यो दाढ़ी वाला क्यों नहीं बका लेता? दाढ़ी वाला कौन? मोदी। अरे यार सबको पता है दाढ़ी एक ही है। ठीक, आखिरी सवाल, अगर सन्नी देओल आपको समर्थन देते तो आपका हाथ 2.5 किलो से ज्यादा मजबूत होता ना फिर? मैंने बताया ना यार, बार बार क्यों पूछ रहा, ये कातिया ये पट्टा इंसान को कुत्ता बना देता है। सांसद है, इस तरह सांसद है वो, कौन इस तरह की शब्दों में मर्यादा रखी है यार, शब्दों की मैंने क्या कही है, मैंने कही है पट्टा कुत्ता बना देता है, कुत्ते के गले में हमेशा पट्टा होता है, ध्यान रख लेना, जो कुत्ता होगा उसके गले में पट्टा होगा, किसी ना किसी का ऐसा मत कह दिए, कभी मुझे भी कह दे यंग अच्छा मुंह पूछने का। अपने पैसे से खरीदा, किसी ने दिया ना, हाँ कभी ये सोच ले कुत्ता ये दूसरे को कह रहा, कभी मुझे भी कहने लगे हाँ ये गले में क्यों अंगोच्छा है, और हमारे सिर पे रह रहा, अभी गर्मी सी है इसलिए मैंने गले में घेर रखा। चलिए तो ये थे हमारे साथ जो बातचीत कर रहे थे, गाजीपुर बॉर्डर पे हम मौजूद है, तो लगातार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो आप PRV पे देख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।